मॉर्निंग एवरीवन, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और मैंने सोचा आज मैं हेल्दी पराठा बना रही हूँ, क्यों ना आपके साथ और आपके सामने बनाया जाए और इसकी रेसिपी शेयर करी जाए। देखिए, पकोड़ा तलना पड़ता है, समोसा तलना पड़ता है, कचौड़ी तलनी पड़ती है, लेकिन ये जो हेल्दी पराठा है जो यूं मिनटों में बन जाता है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें बीटरूट का इस्तेमाल किया है, पनीर का इस्तेमाल किया है, प्याज का इस्तेमाल किया है, पोटैटो का इस्तेमाल किया है और हरी मिर्च, हरा धनिया और ये सब चीजें डालेंगे। और इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, नमक लिया है, आमचूर पाउडर लिया है क्योंकि थोड़ा सा खटास से पराठे में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, जीरा लिया है और अजवाइन ली है और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हींग। तो देखिये, ये मैंने यहाँ पर बर्तन ले लिया है, इसमें सबसे पहले ये बीटरूट जाएगा, पनीर जाएगा, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और इसको मैं ग्रेट करके डालूंगी। मैंने यहाँ पर दो पोटैटो लिए हैं और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ना ये पोटैटो को बॉईल कर लिया, सेमी बॉईल कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा एक कनी रह गई है वो पराठों के साथ पक जाती है। मैंने साफ कर लिया और ये जो मैंने मसाला था, थोड़ा सा नॉर्मल मसाला, ये डाल दिया इसके अंदर और अब हम सबको मिलाकर मिक्स करेंगे और एक बढ़िया सा इसका डो रेडी करेंगे। ये देखिए, कलर देखिए बीटरूट का कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पराठा भी हेल्दी हो जाता है। और इस समय आप थोड़ा सा चखकर नमक जरूर चख लें, परफेक्ट एकदम। और ये जो आटा है इसमें भी मैंने नमक डालकर आटा गूंदा है। मिक्सर से मैंने बना लिए हैं चार गोले और इसी तरीके से मैंने आटे की लोई भी बना ली है और अब हम स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना कि किस तरीके से मैं उसके अंदर फिल करती हूँ। सिंपल है, जैसे और तरीके हैं आलू का पराठा बनाते हैं, मैं सेम वैसे ही बनाती हूँ, पर ये जो गोले बनाने से ना थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको बनाना, फिल करना। इसको थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे, यस, इस तरीके से आपने इसको बड़ा करना है और इसको लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने भर दिया है और अब ये देखिए मैं इसको बेलना शुरू करती हूं और बेलना भी बहुत हल्के हल्के हाथ से है, बिकॉज पनीर है ना, पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, सूखा आटा लगाते रहना है। देखिए, बहुत ही धीरे धीरे हाथों से करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। देखिए, मेरा पराठा अभी तक कुछ भी फटा नहीं है और आगे भी फटेगा नहीं। क्योंकि पतले पतले बनाने हैं इसलिए अच्छा बड़ा बेल। ये तवा हो गया है, अब हम इसको धीरे धीरे तवे पर डालेंगे। इस तरीके से बेलेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं और जब फटेगा नहीं तो बढ़िया सा बनेगा पराठा। यस, पराठा। ये क्या लाल पीला? ये बीटरूट है ना, बीटरूट। आजकल तो हम लोग बीटरूट अपने खाने में काफी ले रहे हैं। sure. आपको पता ही नहीं पड़ता मैंने बीटरूट का वो रायता भी मैं कितना बनाती हूँ। मेरी बिल्ली ने खाने खा लिया। बस फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना कि जितना बड़ा आपका फिलिंग का गोला बना है उतना ही बड़ा आपका आटे का भी बनना चाहिए। अब ये एक तरफ से पराठा हो गया है, इसको हल्के से तेल डालकर, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे टेस्ट के लिए। एक तरफ से सिक गया है, दूसरी तरफ से पलटेंगे। अब ये मेरा एक पराठा हो गया, देखिए कितना अच्छा सिक कर आया है, और ये दूसरा पराठा। अब इसी के साथ तैयार करते हैं यहां पर डिप। सबसे पहले डालेंगे काला नमक,
फिर डालेंगे थोड़ा सा भुना जीरा। यहां पर मेरे पास सूखा पुदीना है वो डालेंगे, एकदम ज्यादा नहीं डालना। और फिर थोड़ा सा डालेंगे हम पेपरिका पाउडर और इसको अच्छा मिक्स मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी बढ़िया से डिप हो गई है, बनकर तैयार। थोड़ा सा बटर, तो ये हो गया है दूसरा पराठा भी हमारा रेडी, यानी कि ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। और इस पे भी लगाएंगे हल्का सा बटर। तो फ्रेंड्स आज का नाश्ता तैयार हो गया, हेल्दी पराठे हैं, मजेदार डिप है और गर्मा गर्म चाय है। तो कैसा रहा आज का मिनी ब्लॉग? देखिए मैंने अपने मिनी ब्लॉग में आपको हेल्दी पराठा बनाया है। जल्दी से जाइए अपनी किचन में, आप भी बनाइए। मतलब एक आपके दिल में गिल्ट नहीं होना चाहिए यार, पराठे खा रहे हैं रोज, पराठे खाइए लेकिन थोड़ा सा हेल्दी वे में भी खाइए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।